नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिसमें आपको कभी भी गिरावट हो तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और इस सेक्टर की एक कंपनी है जो पहले ही काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। तो ये कंपनी जो अभी जबरदस्त चक्कर दे रहा है उस लीडिंग कंपनी को, ये कंपनी है एयर प्रिंस पाइप्स, जो कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को काफ़ी बेहतरीन टक्कर दे रहा है। और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक आप जानते हैं काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, जो कि मैंने पहले भी कई बार आपको डिस्कस किया है। उसी सेक्टर से ये भी स्टॉक है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड। अगर आप लार्ज कैप में मतलब ज़्यादा सिक्योर रूप से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको सिक्योरिटी के साथ एक आपका इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर है, साथ साथ अच्छा रिटर्न भी मिले, तो आप एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप प्रिंस पाइप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा स्टॉक्स है ये थोड़ा स्टॉक मार्केट में नए लिस्टेड स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा रिस्क आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तक हम इसके 2-4 साल के परफॉर्मेंस को नहीं देखते तब तक हम इसमें ये सिक्योर नहीं हो सकते कि कंपनी अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार 5 सालों से बेहतरीन रहा है तो आगे भी ये परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए अभी करंट प्राइस जो इसका 730 रुपये है, आज ये 1.22% डाउन है। सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है, अगर फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं तभी हम उसके टेक्निकल एनालिसिस पर जाएंगे कि टेक्निकल रूप से कंपनी में हमें किस प्राइस पे इंटर करना चाहिए, कौन सा प्राइस बेस्ट होगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले अगर कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है तो हम किसी भी प्राइस पे अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कितना है कंपनी का, तो अभी जो है 2000 करोड़ से ऊपर है, मतलब 2100 करोड़ के आसपास है टोटल रेवेन्यू, और रेवेन्यू देख लीजिए लगातार इंक्रीज हुआ है। वहीं नेट इनकम जो है कंपनी का, नेट इनकम देखिए वो भी लगातार इंक्रीज, अभी टोटल नेट इनकम है 221 करोड़ का, देख ले सकते हैं 221 करोड़ का टोटल नेट इनकम है। तो यहाँ पर इनकम भी लगातार इंक्रीज हुआ, देखिए 2018 में 72 करोड़ का था, तो देख सकते हैं काफ़ी न्यू कंपनी है, मात्र 4 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर पता है, और आगे भी अगर 2-4 सालों तक ये कंटिन्यू करता है अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो निश्चित है कि इसमें एक ज़बरदस्त हमें रिटर्न देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर 72 करोड़ का हो गया हमारा नेट प्रॉफिट 2018 में, लगातार ये देख सकते हैं अगले साल ये लगभग 10 करोड़ से इंक्रीज हुआ, फिर अगले बार तो ये काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जंप है, यहाँ पर आप देख लीजिए लगभग 30 करोड़ से जंप हुआ 2019 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, फिर यहाँ पर लगातार ये डबल हो गया 2021 में 2020 के नेट प्रॉफिट से, लगातार डबल हो गया यहाँ पर नेट प्रॉफिट, जबकि रेवेन्यू यहाँ पर कुछ खास जंप नहीं हुआ था, रेवेन्यू मात्र 400 करोड़ से जंप हुआ था, जबकि नेट प्रॉफिट डबल हो गया, मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से आप अगर आप सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देख लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पर चलेंगे कि कंपनी हमें किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें ज़्यादा मतलब हम सेफ रहेंगे, क्योंकि हायर प्राइस पर लेते हैं तो थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तो कभी कभी बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक होने लगते हैं, लेकिन अगर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट का, तो देखिए बैलेंस शीट टोटल एसेट जो है कंपनी के पास वो है कितना का, 1400 करोड़ का, और ये टोटल एसेट लगातार कंपनी का इंक्रीज हुआ है। वहीं बात करें कंपनी का जो टोटल लाइबिलिटीज है, टोटल एसेट क्या होता है, कंपनी के पास अपनी कुल संपत्ति कितनी है, तो कंपनी के पास जो टोटल संपत्ति है अपना इतना है, और कंपनी के पास देनदारी कितना है, मतलब कंपनी जो है कितना देनदारी है, उसके पास उधार है दूसरों का, मतलब कंपनी को अपना उधार जो चुकाना है, तो देख लीजिए वो है 572 का, तो ये काफ़ी मतलब जो अपनी संपत्ति है कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसके जो देनदारी है उससे लगभग 3 गुना है, तो इस मामले में कंपनी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि कंपनी के पास जो अपना संपत्ति है वो लगभग 3 गुना है अपने देनदारी से, तो लगभग 1000 करोड़ से थोड़ा सा कम कंपनी के पास अपनी संपत्ति है। अगर कोई वैसा मतलब कंपनी कल बंद होने के कगार पा जाती है तो अपने शेयर होल्डर को रुपया रिटर्न कर सकता है अपने संपत्ति को बेचकर। उसके बाद कैश फ्लो की बात करें, तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है और नेट चेंज इन कैश है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों निगेटिव है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है यही एक निगेटिव साइन है यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस में। उसका कारण क्या है, वर्किंग कैपिटल कंपनी का देख सकते हैं,
402 करोड़ निगेटिव हो चुका है वर्किंग कैपिटल, जिसके कारण कंपनी का कैश फ्लो हम निगेटिव देखने मिल रहा है। ये था कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, और इसको अच्छे तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप skinner.in पर कर सकते हैं। हमने कई बार आपको बताया है कि ये दोनों वेबसाइट काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ आप कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर करंट प्राइस आपने देख ही लिया कंपनी का, जो आज डाउन हुआ ये पिछले दिन का ही करंट प्राइस यहाँ पर दिखाता है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, 0.20% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 28%, देख लीजिए कितना जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, फेस वैल्यू 10 का है। प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें है 63%, और कंपनी का जो प्रॉफिट में ग्रोथ है देख लीजिए 95%। प्रॉफिट तो आपने देखा ही, 222 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इस साल का एनुअल प्रॉफिट, और 95% से प्रॉफिट जंप हुआ था। कंपनी के पास जो रिजर्व है 933 करोड़ का, जबकि कंपनी के ऊपर डेट है मात्र 88 करोड़ का। कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट खास नहीं कर रखा है। आप प्रमोटर्स के बिहेवियर को देखना है तो यहाँ देख लीजिए, कंपनी में प्रमोटर्स का बिहेवियर लगभग कांस्टेंट है, कोई भी चेंज प्रमोटर्स के बिहेवियर में नहीं है, मतलब प्रमोटर्स का स्टेक लगातार कांस्टेंट है। तो ये थे कंपनी के ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है। अब हम बात करते हैं कंपनी के पीयर्स कंपैरिजन को भी देख सकते हैं। अगर कंपनी का जो फिर से उसमें एस्ट्रल पॉलिटेक्निक है, अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड है, फिनलॉक्स इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर जाइएगा नीचे देखिए, ये है हमारा ये जो ब्लू लाइन है प्रिंस पाइप्स का। तो वन ईयर में देख लीजिए इसका रिटर्न तो काफ़ी ज़बरदस्त है। वन ईयर में देखिए प्रिंस पाइप जो रिटर्न दिया है 850% का, 846% का रिटर्न दिया है प्रिंस पाइप ने। वहीं देखिए एस्ट्रल दिया है 197%, और वहीं देखिए अपोलो ट्यूब्स जो है, अपोलो ट्यूब्स दिया है 361% का, 361%। तो देखिए प्रिंस पाइप यहाँ जो अपोलो ट्यूब से भी लगभग दो गुने से ज़्यादा है, और एस्ट्रल से तो लगभग चार गुने से ज़्यादा है, तो काफ़ी बेहतरीन है। आपने देखा पीयर कंपैरिजन में भी देखते हैं तो जो सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं एस्ट्रल और जो अपोलो ट्यूब्स, उससे काफ़ी आगे है रिटर्न देने के मामले में। लेकिन ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देखते हैं कि डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पर क्या है। तो आज तो ये 1.22% डाउन है ये शेयर प्राइस। वन वीक में बात करें तो 17% से भी ज़्यादा ऊपर है कंपनी का स्टॉक। वन मंथ में करें 47% का रिटर्न, देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन है। वन ईयर में 815% का रिटर्न, तो देखिए कितना ज़बरदस्त है। फाइव ईयर्स में 337% का रिटर्न, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में आ जाएं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। यहाँ फाइव ईयर्स का कोई खास मकसद नहीं है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि 2020 में ही ये कंपनी लिस्ट हुआ है। 153 रुपीज, वहाँ से थोड़ा सा गिरावट देखने मिला 77 रुपीज, यहाँ पर देखते हैं मार्च के मई के में ये स्टॉक मिल रहा था मात्र 80 रुपीज पे, और वहाँ से लगभग ये स्टॉक 10 गुना ऊपर जा चुका है। देखते हैं 794 रुपीज यहाँ पर हाई है, और ये मात्र मिल रहा था 77, तो जो 10 टाइम्स है उससे ज़्यादा का रिटर्न मिल चुका है जिन्होंने भी यहाँ पर गिरावट में इसमें इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों यही स्टॉक्स है जो आगे चल करके मार्केट में धमाल मचाने वाले हैं। तो अब जो हम आपको वीडियो लाएंगे वो उन स्टॉक्स पे लाएंगे जो कि आने वाले समय में धमाल मचाने वाले स्टॉक हैं, जो आने वाले समय में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। तो उसी में आज जो हमने डिस्कस किया प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। और इस कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए यहाँ प्रिंस पाइप पाते हैं, तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है देखिए कितने सारे प्रोडक्ट है कंपनी के। देखिए प्लम्बिंग में ये जो पाइप बनाने के काम करती है, इंडस्ट्रियल बनाती है, उसके बाद यहाँ पर अंडरग्राउंड जो पाइप यूज होता है अलग अलग चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर और बोरवेल में जो यूज होता है उसके लिए भी, उसके बाद वाटर स्टोरेज टैंक भी बनाती है, जैसा कि आपने एस्ट्रल में भी देखा ये सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो ये भी वाटर स्टोरेज टैंक भी बनाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए केबल डचिंग, तो मतलब केबल भी बनाती कंपनी, और साथ ही साथ जो न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट है आने वाले समय में, देखिए यहाँ पर पॉलीथीन पाइप बनाने वाली है, सॉल्वेंट सीमेंट, CPVC सॉल्वेंट सीमेंट, तो ये सारे प्रोडक्ट अभी डेवलप हो रहे हैं दोनों प्रोडक्ट। तो ये कंपनी जो है काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, और इस पर कुछ खास फर्क पैंडमिक का पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो कंपनी है पैंडमिक से भी कुछ खास प्रभावित होने वाले नहीं है, इनका जो बिजनेस है हर मतलब साल के हर मौसम में समान रूप से चलने वाला है। तो काफ़ी सॉलिड कंपनी है, और ये कंपनी आपको गिरावट मिलता है तो इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के सारे पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन थे, लेकिन एक पैरामीटर जो हमें दिक्कत दिया वो था फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो जो कंपनी का निगेटिव था, तो फ्री कैश फ्लो पे आपको लगातार ध्यान रखना है। कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है अगर वो पॉजिटिव हो जाता है
तो फिर समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सही जगह पे है, बस आपको इस स्टॉक में बने रहना है। तो जब गिरावट बंद में मिलता है स्टॉक तो इन्वेस्ट करना है, थोड़ा क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना है। जैसे फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है तो अपने क्वांटिटी साइज को आप एवरेज कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटी साइज को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा एक एवरेज प्राइस पर होगा। तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने के बाद अगर मार्केट में तेजी बने रहते तो ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त तेजी दिखाएगा। तो ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है, जब भी गिरावट मिले इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में ये सारे स्टॉक धमाल मचा सकते हैं। लेकिन याद रहे मार्केट में हमेशा रिस्क है, तो अगर कंपनी आगे फाइनेंशियली परफॉर्म नहीं करती है तो कंपनी में गिरावट भी हो सकती है। तो दोनों एस्पेक्ट आपको देख के चलना है, तो इसलिए क्वांटिटी साइज को कंट्रोल में रखना है, उतना ही क्वांटिटी रखना है जितना में आप लॉस भी ले सकते हैं। अगर प्रॉफिट होगा मतलब कंपनी हमारे डायरेक्शन में जाती है तो वहां पर हम अपने क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।